नमस्कार कर दोस्तों, जन्माष्टमी के दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। कृष्ण राधा की कृपया आप सभी पे बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज तो जानते हैं कि जन्माष्टमी है, तो बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग बिजी रहेंगे आज जन्माष्टमी की जैसे कि तैयारी सब लोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं मेरे बच्चे भी कुछ तैयारी कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन से फूल सब लगाए थे छोटे छोटे डिब्बे में दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे बार बार एक ही फूल दिखाती हैं, तो हमको दोस्तों बहुत काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं छत पर आती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए लाइन से चारों तरफ से लगा है यहाँ पे फूल। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है फूल। यहाँ पे भी देख रहे हैं फुलाया है छोटे छोटे। ये मटकी में भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं तगाड़ी फूट गया था, इसमें भी लगा गया है ये फूल। दोस्तों किसी में लगाने में बहुत काफी अच्छा लगता है ये फूल जो है। तो दोस्तों इसको जैसे रहता है कि शाम के टाइम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं पहले नीचे, नीचे सारे उतार कर दोस्तों चाहे उसी पे जैसे रहता है। इसमें पानी में दोस्तों नमक हल्का सा मिला देते हैं, नमक मिला के दोस्तों उसके बाद सारे फूल में हम डालते हैं हल्के हल्के। ये फूल दोस्तों रहते हैं अपने आप इसी तरह खिलने लगता है, इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं दोस्तों। जैसे सब लोग कहते हैं कि किचन का जो खाद रहता है, किचन में जैसे आलू छिलते हैं सब्जी छिलते हैं, जब टोकरी में रख दीजिए और जब सड़ जाता है दोस्तों तो उसको डाला जाता है। तो दोस्तों ऐसे कोई बात नहीं है, इसमें हम डालते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा रहता है हमारा। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे फुलाए हैं सब फूल। तो दोस्तों एक ही राड़ जैसे यहाँ पे पहले हम लगाए थे, इसको बाबू ले आकर लगाया था, तो उसके बाद हमने इसी तरह डब्बे में जैसे तेल का रिफाइन का डब्बे रहता है उसमें काट कर इस तरह से हमने रख दिए हैं। तो दोस्तों इसको जो थोड़ा पेंट कर जाएगा तो और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो दोस्तों इस तरह से सारे लगा गया है। तो चलिए दोस्तों हम किचन में आज व्रत है दोस्तों जन्माष्टमी का, तो चलिए हम आज बनाते हैं अच्छे से रेसिपी आप लोग को दिखाते हैं। जैसे देख रहे हैं साबूदाने की हम खीर बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि साबूदाने को रात में हमने छप छप पानी करके इसमें रखे थे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे साबूदाना था यहाँ पे, तो यहाँ तक पानी हमने किए थे इसमें। तो साबूदाना को रखने के बाद से दोस्तों इसमें देख रहे हैं एक चम्मच घी डालेंगे पहले हम, जाके इसकी खीर जो दोस्तों कैसे आप लोग देखते हैं मोती जैसे होता है। तो दोस्तों इसमें हम पहले घी को अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों, एकदम भर भरे हमारा साबूदाना हो जाएगा। आप घी नहीं खाते हो दोस्तों तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। मोती जैसे नहीं चमकता है, नहीं होता है हमारा, जब बनाते हैं साबूदाने के खीर तो हमारा खीर चिपक जाता है और हलवे टाइप में बनता है। तो दोस्तों इस तरह से एक बार जैसे हम बनाएंगे खीर, इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल आपका खीर जो है बिगड़ेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे होगा आपका खीर। यहाँ पे टोटल एक चम्मच हमने घी को लिए थे, आप एक चम्मच रिफाइंड तेल भी इसमें ले सकते हैं। तो अब एक बार आपको साबूदानों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से साबूदाना हुआ है। आप देख सकते हैं आप साबूदाने जैसे देखते हैं मोती जैसे बिल्कुल हो गया है, एक भी साबूदाना एक दूसरे में चिपका नहीं है। और साबूदाना किस तरह से फुला वो भी दिखा दे रहे हैं एक बार आपको, इस तरह से देख रहे हैं चिपक गया है साबूदाना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जला ले रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर हमने जला लिए हैं। आज एक खीर को हम कढ़ाई में बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे कैसे खीर चमकता है कढ़ाई में बनाएंगे। आज इस खीर को आप भगोले में बना सकते हैं। डालेंगे दूध को गर्म होने के लिए कढ़ाई में, ये है यहाँ पर इसमें हम डालेंगे अब साबूदाने को। अब इसी तरह मीडियम आंच पे साबूदाने को हम पकाएंगे। पहले साबूदाना दूध में पड़ते हुए देख रहे हैं कि मोती जैसे चमक आने लगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा मोती जैसे देख रहे हैं सारे साबूदाना इसमें उपरा रहा है। आप लोग को एक बार करीब से भी दिखा दे रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से साबूदाना हमारा देखिए इसमें मोती जैसे उपरा रहा है। इसमें खिजा भी नहीं है, जैसे देखते हैं कि आप लोग गल जाता है उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ, मोती जैसे इसमें चमक रहा है, कितनी लाइट मार रहा है देख रहे हैं साबूदाने में। तो दोस्तों इस तरह से आप खीर ज़रूर बनाएँ। अब बहुत जल्दीबाजी में ये खीर बन भी जाता है, बहुत आसान तरीका है खीर है। अब मीडियम आँच पर इसी तरह से आप पकाते रहिए। तो दोस्तों ये दूध थोड़ा पतला आप लोग को लग रहा है क्योंकि हमने डेली वाले से दूध लिए हैं, ये घर का दूध रहता है दोस्तों, थोड़ा गर्म गाढ़ा रहता है, क्रीम टाइप में रहता है वो। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह से दूध हमारा है ये साबूदाना दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे खिल के ऊपर आ गया है मोती जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें। अब बहुत काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये खीर बन रहा है। मखनी को इसमें कटी हुई गड़ी को भी डाल देते हैं।
तो काजू को जब भी हम डालते हैं आप लोग देखते हैं कि लंबे लंबे डालते हैं, आप चस्का भी डाल सकते हैं इसको। धुआं लग रहा है जैसे, देख रहे हैं कि हवा चल रहा है तो इस समय। तो इसमें हम इसी तरह से इलायची के छिलके भी उतार ले रहे हैं। अगर जन्माष्टमी सहता नहीं तो हम लोग को नहीं बैठाया जाता है जन्माष्टमी। तो दोस्तों शाम को हम आप लोग को दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे जन्माष्टमी। जैसे हम नहीं जा पाएंगे तभी भी साची को पापा को भेज कर हम दिखाएंगे। हम मंदिर दोस्तों हम लोग अच्छे से सजा लेते हैं तो मंदिर का सीन एक बार आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे हम। तो इसमें हम काजू बादाम भी डाल दे रहे हैं, काजू बस डालें, बादाम नहीं डालें, हमारे पास बादाम इस समय नहीं था। मुनक्के हम नहीं डालते दोस्तों, क्योंकि मुनक्के डालते हैं तो ज़्यादा मुनक्के बच्चे को नहीं खाते हमारे घर पर, तो मुनक्के इसलिए हम देखते हैं। आप लोग को मुनक्के पसंद हो तो आप लोग डाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए साबूदाने की खीर हमारे कितने काफ़ी अच्छा बनकर तैयार है, आप लोग को एक बार दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। चीनी जैसे कम बेसी मीठे आप खाते हैं उस तरह से डाल सकते हैं। दोस्तों साबूदाने की खीर हमारा बन के तैयार है। अब इसको हम जिसमें दूध था उसमें हम पलटी कर लेंगे। तो आज के वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आप लोग खीर बनाएंगे तो बहुत काफ़ी टेस्टी खीर होता है, कोई भी व्रत में आप बना सकते हैं इस तरह से खीर। तो देखिए यहाँ पर बना दिए हैं। तो आज के वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।